बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय मैनेजिंग डेटा फाइल्स एंड फोल्डर्स, एंड इन दिस टॉपिक यू विल लर्न दैट हाउ कैन वी मैनेज डेटा फाइल्स और फोल्डर्स। यानी जब भी हम डेटा को सेव करते हैं उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं और उसको हम किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि जब भी हम डेटा को सेव करते हैं तो उसको फाइल्स और फोल्डर की फॉर्म में सेव किया जाता है, ठीक है। यानी जो भी हमारा डेटा होता है उसको फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। वो डेटा फाइल्स होती हैं और फोल्डर्स होते हैं जिन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर किया जाता है, ठीक है। यानी जो भी डेटा हमने सेव करना है वो कहाँ पर सेव होता है, हमारा डेटा फाइल्स या फोल्डर्स की फॉर्म में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में सेव होता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क या यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जिसमें भी आप सेव करना चाहें आपका वो डेटा वहाँ पर सेव होता है। यानी जो भी डेटा आप सेव करते हैं उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक अच्छे तरीके से स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? दिस हेल्प्स इन ईजिली एंड क्विकली फाइंड द फाइल्स। सो दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग फाइल ईजिली एंड क्विकली। यानी जब भी हम डेटा को प्रॉपर स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो हम डेटा को, फाइल्स को बहुत आसानी से दोबारा से फाइंड कर सकते हैं। उसको दोबारा से फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब भी हमें फाइल्स को रीयूज़ करना होता है तो हम उन फाइल्स को दोबारा से ओपन करना होता है, तो अगर हम उसको प्रॉपर वे में स्टोर करेंगे, सेव करेंगे, तो हमारे लिए उनको दोबारा से ढूंढना आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम बहुत जल्दी और इजीली नए फोल्डर्स क्रिएट कर लें और उसके अलावा एक फाइल को दूसरे फोल्डर में, यानी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में किसी फाइल को मूव करना हो या कॉपी करना हो, ये काम भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम क्रिएट किए हुए फाइल्स को जो हमने बना ली हैं उनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। किसी भी फाइल को भी ईजिली डिलीट किया जा सकता है और फोल्डर को भी डिलीट किया जा सकता है। सो जब भी हमने डेटा को मैनेज करना है, इसमें कितनी चीज़ें आ जाती हैं कि हमने किस तरह से डेटा को फाइल्स के फॉर्म में अरेंज करना है, उसको हमने किस तरह से सेव करना है, और उसके अलावा हमने किस तरह से उस फाइल को एक फोल्डर में सेव कर सकते हैं, किस तरह से कॉपी कर सकते हैं या उस फाइल को किस तरह से डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों को मैनेज करने की भी जो फैसिलिटी होती है ये कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू फोल्डर, हाउ कैन वी मूव फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर, और किस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं एक फाइल को दूसरे फाइल में। तो ये तमाम चीज़ समझने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।